आखिर चीन में भी तो रानी रहती है, चीन की रानी के दो टुकड़े क्यों नहीं होते, भारत की रानी के दो टुकड़े क्यों होते हैं? सिंगापुर में भी नेहा रहती है, सिंगापुर में नेहा के दो टुकड़े क्यों नहीं होते, भारत में दो टुकड़े क्यों होते? और जब जब ऐसी हत्याएं होती है तो हम क्या करते हैं, ट्विटर पे जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर हिना, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये ट्रेंड चला देते हैं। कुछ लोग फेसबुक पे वीडियो शेयर कर देते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन फैसला बाद में क्या हुआ? आखिर आज बरेली में रानी की हुई है, कुछ दिन पहले कर्नाटक में नेहा की हुई थी, उसके पहले साक्षी की हुई थी, उसके पहले श्रद्धा की हुई थी, फिर नीतू की हुई थी, सीमा गौतम की हुई थी, वर्षा की हुई थी, सुशीला की हुई थी, निधि गुप्ता की ऐसी हत्या हुई थी, उमा शर्मा की हत्या हुई, बबली रानी की हुई थी, निशा की हुई, एकता की हुई, नैना कौर की हुई, प्रिया की हुई, कशिश परमार की हुई, सीमा की हुई, अर्चना की हुई, हिना तलरेजा की हुई, नीलम अहिरवार की हुई, प्रभा कुमारी, नीलम यादव, मुनिया, तनिष्का शर्मा, शिवानी, निकिता तोमर, स्वाति, अंतिमा, प्राची राणा, नील कुसुम, सुनीता कुशवाहा, यशोदा, सोनम शुक्ला, अंबिका रूपाली, इन सबकी ऐसी हत्या हुई। आपने हत्या के बारे में सुना होगा, किसी हत्यारे को फांसी हुई है सुना क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी हत्यारे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई सुना क्या आपने? किसी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई है सुना क्या आपने? भगवान श्री राम ने कहा है भय बिन होए न प्रीत। ये हत्याएं इसलिए यहां हो रही है कि न शिक्षा में संस्कार है और न कानून का खौफ है। जो हत्या जैसा अपराध दिल्ली में होता है, दिलवर नेगी को जला के मारा जाता है, कभी दुबई के दिलवर नेगी को जला के नहीं मारा गया, कभी सिंगापुर के दिलवर नेगी को जला के नहीं मारा गया, कभी चाइना के दिलवर नेगी को जला के क्यों नहीं मारा गया, दिल्ली के दिलवर नेगी को जला के क्यों मारा गया? राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, याद होगा आपको दिल्ली में, रतन लाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंद्र गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकिता शर्मा की हुई, ट्विंकल की हुई, किशन की हुई, अंकित की हुई, अंकित सक्सेना, आपको पता होगा कुछ दिन पहले उसका गला काट दिया गया था पूर्वी दिल्ली में, लखनऊ में कमलेश तिवारी का गला काट दिया गया था, कन्हैया लाल राजस्थान, उमेश कोहली महाराष्ट्र। इसमें जितनी जिहादी हत्याएं हुई, किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई, किसी को फांसी हुई नहीं, तो खौफ कहां से पैदा होगा? अभी कुछ दिन पहले पूर्वी वैष्णव को मारा, मानसी को मारा, रूबी को मारा, ममता को मारा, रुबिता को मारा, अंजलि को मारा, ममता को मारा, निधि पासवान मारा, अदिति मारा, आत्या मारा, अमृता मारा, अभिलाषा मारा, भावना मारा, बीना मारा, दीपा मारा, छवि को मारा, दृष्टि को मारा, इसका को मारा, एकता को मारा, लक्षिता को मारा, रिया को मारा, नीना को मारा, कनिषा को मारा, हर्षिता को मारा। ये तो मैं कुछ वो नाम बता रहा हूं जिसके लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। मेरा ये मानना है अगर पूरी दुनिया में ऐसी हत्या नहीं होती है और भारत में ऐसी हत्या होती है, इसका मतलब हमारी दवा गड़बड़ है। बीमारी ठीक होती है दवाई से, बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं होती। याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी कैसे ठीक होती है? दवा बदलने से। अब समय आ गया है डॉक्टर नहीं क्या बदलवाने का, और दवा बदलवाने के लिए कानून भी बदलवाना पड़ेगा, संविधान भी बदलवाना पड़ेगा। कानून बदलवाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और संविधान में संशोधन कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 चाहिए, राज्यसभा में एनडीए के पास 117 है, तो अलग अलग तुम हो ही नहीं सकता, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग तो 2/3 हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या तरीका है? लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक बुलाई जाए, ज्वाइंट बैठक में 521 सांसद चाहिए, 521 चाहिए, राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में 521 - 417 404। अब की बार कितना चाहिए? जोर से बोलिए, अब की बार कितना चाहिए? और वो 400 पार तब होगा जब आप सारे लोग अपना फोन निकालोगे, आपके फोन में जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं 500, 700, 800, 900 सबको फोन करोगे। वो 400 पार तब होगा जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट्सएप पे जितने नंबर हैं सबको एक मैसेज भेजोगे। आज की डेट में एसएमएस भी फ्री हो गया है, जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगा के सबको एसएमएस भेजो, सबको व्हाट्सएप भेजो, सबको फोन करो।
याद रखिए, इस बार का चुनाव मेक और ब्रेक का है। 400 पार हो जाएगा, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत छोड़ के भाग जाएंगी, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। भारत को तोड़ने वाली शक्तियां भारत छोड़ के भाग जाएंगी, आपकी बात 400 पार हो गया। इसलिए भारत विरोधी शक्तियां बिलबिला रही हैं, तिलमिला रही हैं, कभी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, 400 पार हो जाएगा, ये हो जाएगा, 400 पार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बकवास है। सच्चाई है 400 पार हमारी जरूरत है, इसको लाना जरूरी है, और इसको लाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया, एक बार अपना फोन घनघना दीजिए। आउटगोइंग फ्री है, डाटा फ्री है, एसएमएस फ्री है, एक बार इस फ्री वाली स्कीम का संपूर्ण उपयोग करिए। आप लोगों को बाकी कुछ तो फ्री में मिलता नहीं है, जो बैठे हुए राशन मिलता फ्री का क्या, बिजली मिलता फ्री का क्या, पानी मिलता फ्री का क्या, कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, केवल डाटा फ्री का मिला हुआ है। तो जो डाटा फ्री का मिला हुआ है उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाइए। हमारी बहन भी आ गई है, एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए बहन के लिए। और ये चिंता की बात क्यों है इसको समझिए, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। अगर भारत को मानने वालों की संख्या 8% घटी है तो भारतीय विचार मानने वालों की 8% घटी है, और भारत को न मानने वालों की 83% बढ़ी है। तो मैंने पहले ही कहा